आज हम करेंगे मैप मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य विस्तार। तो इसमें सबसे पहले वही जैसे कि पहले के मैप में हमने किया था, यहाँ पर अरब सागर, यहाँ पर हिंद महासागर, ये श्रीलंका, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, ये नेपाल, ये एरिया हिमालयाज का, ये चाइना, ये सब में कॉमन ही है। और उसके बाद नदियाँ, उसका अलग वीडियो में बना ही चुका हूँ। श्रीलंका के ऊपर एक कट है, इस पे कावेरी, इंडिया की यहाँ एक्सपेंशन है, यहाँ पे दो नदियाँ कृष्णा और गोदावरी, यहाँ जो है उड़ीसा के एरिया में एक महानदी, ये सीधी नर्मदा और ये नीचे ताप्ती, नेपाल के साथ दो नदियाँ यमुना और ये जो है गंगा, यहाँ इनका संगम प्रयागराज में, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में, यहाँ से यहाँ तक रास्ता से इस उबार से आगे तक केरला रेखा, और उसके बाद जम्मू कश्मीर के सेंटर में पहाड़ों में सिंध नदी, और ये पंजाब के नीचे वाले हिस्सों से पहाड़ों में सतलुज, और ये हिमाचल में ब्यास, और उसके बाद तीन नदियाँ चिनाब, झेलम और रावी। ये नदियाँ बनानी मैंने अलग वीडियो में आपको सिखाई हुई है, यहाँ नाम लिख देना आप, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, यमुना, गंगा, सिंध, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये सभी मैप्स में कॉमन है। उसके बाद हम मैप शुरू करेंगे मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य विस्तार। तो ये जो पिछला मैप मैंने आपको कराया था, एक अलाउद्दीन खिलजी का मैप, उससे बहुत मिलता जुलता है। अलाउद्दीन खिलजी में हमने देखा था कि उसका नॉर्थ इंडिया में पूरा साम्राज्य था और साउथ इंडिया अधीन था। मोहम्मद तुगलक ने इस अधीन क्षेत्र को भी डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया था, बस इतना ही चेंज है, ये बाउंड्री नीचे की तरफ आ जाएगी, बाकी बाउंड्री सेम रहेगी। अलाउद्दीन खिलजी में हमने यहाँ पे कट लगाया था, अब ये नीचे आ जाएगा। तो वही इसमें साम्राज्य जो है उसकी ये बाउंड्रीज तो अलाउद्दीन खिलजी वाली रहेंगी, बस यहाँ जो बाउंड्री ख़त्म हो रही थी वो यहाँ के यहाँ ख़त्म होगी। तो ये वहीं से बाउंड्री, ये सारा मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य दिखा रहे हैं, ये गुजरात का इलाका ले लिया सारा, ये पाकिस्तान का इलाका ले लिया, उस टाइम पाकिस्तान नहीं था, कश्मीर का इलाका आधा छोड़ दिया जम्मू कश्मीर का, और उसके बाद नेपाल को छोड़ दिया, बांग्लादेश को ले लिया, उस टाइम बांग्लादेश नहीं था, और ऐसे यहाँ तक आ गए। अलाउद्दीन में तो ये बाउंड्री यहाँ आ गई थी, इसमें ये जो है ये इलाका, इतना इलाका जो अधीन किया था, ये बाउंड्री यहीं ख़त्म हो गई थी, अब ये बाउंड्री ऐसे होके ये इतना इलाका और ऐड करना है। तो ये बाउंड्री यहाँ से ऐसे होके ऐसे ये तो ये पूरा इलाका मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य था। अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक के साम्राज्य के मैप में इतना ही है, ये सारी बाउंड्री पर बड़ी सेम है, बस ये यहाँ से आके यहाँ तक मिलती है, अब ये इतना एरिया और ऐड कर देना है, इसमें इतना ही चेंज है, बाकी अंदर के नगर भी वो सेम ही है। जैसे हमने काबुल कंदार दिखाए थे, अफगानिस्तान के वो हिस्सा तो नहीं थे, परंतु फिर भी दिखाते हैं, ये काबुल है, ये कंदार है, ये अफगानिस्तान में है, ये इसके साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे, वैसे दिखाए हैं। पाकिस्तान में उस टाइम नहीं था, चार इलाके हैं, गुजरात के ऊपर का ये इलाका, सिंध का इलाका, ये इलाका मुल्तान का, ये लाहौर, ये पेशावर का इलाका, ये कश्मीर, और ये जो दिल्ली बनानी आपको सिखाई थी एक मैप में, ये जो सबसे नीचा जो एरिया है उससे सीध में यमुना के किनारे ये दिल्ली है, उसके आगे इसके जस्ट नीचे आगरा है, ये भी बड़ा मशहूर नगर था, ये प्रयागराज है,
ये भी बड़ा मशहूर नगर था प्रयागराज, और इसी पे आगे काशी बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थस्थल था, और यहाँ पर ढाका था। इसी प्रकार ये गुजरात का क्षेत्र था, ये मालवा का क्षेत्र था, ये मेवाड़ का क्षेत्र था। तो ये सारे एरिए बताए हैं, ये पिछले मैप में बताया था देवगिरी का क्षेत्र था, और ये है जो है वारंगल का एरिया था, ये जो है द्वार समुंदर का एरिया था, और ये जो है नीचे मदुरई का इलाका था, वो इसके साम्राज्य में नहीं था। तो इसमें ये कॉमन बात है कि जो अलाउद्दीन खिलजी में हमने ये काबुल कंदार और पेशावर सिंध दिल्ली आगरा जितने भी दिखाए हैं, ये सारे अलाउद्दीन खिलजी में दिखाए थे, और इनके राज्य के समय का ज़्यादा फर्क नहीं है। ये 1296 से 1316 अलाउद्दीन था, और 1325 से 1351 मोहम्मद तुगलक था। तो ये अलाउद्दीन वाले ही रहेंगे, जो एरियाज बताए हैं वो सेम रहेंगे, साम्राज्य बस थोड़ा सा इतना ऐड हो जाएगा। तो इतना ही फ़र्क है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक का साम्राज्य में, बिल्कुल ही आपको ज़्यादा चेंज नहीं होगा। वही अरब सागर, वही नदियाँ, वही एरियाज, और बस बाउंड्री इतनी बढ़ा देनी है, बस इतना है। ये डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया था, और इस तरह आपका मैप आसानी से बन जाएगा। पहले अलाउद्दीन खिलजी का बना लेना आप, और वो बन जाएगा तो बस ये बहुत ही जल्दी आपका तैयार हो जाएगा। बस इतना एरिया ऐड करना, ये बाउंड्री बढ़ानी है, बाकी चीज़ें सारी सेम रहेंगी। उसके बाद आप इसकी टिप्पणी लिखेंगे, 6 नंबर की टिप्पणी है, टेक्स्ट बुक के लास्ट में दी हुई है, मैप के साथ मैप भी दिया हुआ है। उसमें आप मोहम्मद तुगलक के बारे में 5-7 लाइनें लिख देंगे कि मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक महान सम्राट माना जाता है, 1325 से 1351 राज किया, और उसका साम्राज्य सबसे बड़ा था, और दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य उसका था, अलाउद्दीन से बड़ा था। उसने जो साउथ इंडिया को भी डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया था, परंतु उसकी जो योजनाएं थी राजधानी परिवर्तन की, टोकन करेंसी की, दुआब में टैक्स बढ़ाने की, वो उसकी सोच जो है अच्छी थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं था, इसलिए राज्य की अर्थव्यवस्था डाउन होगी, राज्य में असंतोष बढ़ गया, और उससे विद्रोह होने शुरू हो गए, खासकर साउथ इंडिया में। यहाँ सादियों ने विद्रोह किए, और मोहम्मद तुगलक के राज्य में ही दिल्ली सल्तनत सबसे बड़ी थी, और मोहम्मद तुगलक के राज्य में ये छोटी होगी। तो मोहम्मद तुगलक को दिल्ली सल्तनत के पतन का जिम्मेवार भी माना जाता है। तो इस तरह आप मोहम्मद तुगलक के बारे में ये जो आपने लेसन में की थी वो 5-10 बातें बता देंगे, उसके बारे में इंपॉर्टेंट, उसकी योजनाएं बता देंगे, उसकी जीतें बता देंगे, उसके बारे में बता देंगे, उसका टाइम पीरियड बता देंगे, और उसके बाद डायरेक्ट कंट्रोल का बता देंगे, और फिर विद्रोहों का जिक्र कर देंगे, और उसके बाद उसका राज्य जो है छोटा हो गया था, और वो दिल्ली सल्तनत का जो है पतन का जिम्मेवार माना जाता है। और उसके साम्राज्य यहाँ ब्रह्मपुत्रा से लेके सिंध से, सिंधु नदी से आगे तक था, और इधर जो है कावेरी नदी से लेके ऊपर कश्मीर तक था। तो उसका साम्राज्य विस्तार बता दोगे, जो जो इलाके आ रहे हैं उसके साम्राज्य में वो बता दोगे, सबसे बड़ा राज्य था, और ये एरिया उसके राज्य में आते थे, और ये सारी बातें 2-1 सफ़े की बताएंगे आप, टिप्पणी बुक में एंड में दी हुई है, और उसके बाद ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। टिप्पणी में आप 5-10 लाइनें मोहम्मद तुगलक के बारे में बताएंगे, जो आपने लेसन में याद की हैं, जो मैंने बताई भी हैं, उसके बाद उसकी जीतें बताएंगे, और योजनाओं के बारे में, और फिर विद्रोहों के बारे में, और इससे आपका ये क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाएगा। थैंक यू।